नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रीड करो क्वेश्चन. अ लिक्विड हैविंग कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा इज कंप्लीटली फिल्ड इन अ कंटेनर मेड ऑफ मटेरियल हैविंग लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा. इफ द लिक्विड डज नॉट फ्लो आउट ऑफ द कंटेनर ऑन हीटिंग देन ये कंडीशन है. देखो ये चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं एक बार फिर से डिस्कस कर दे रहा हूं. जैसे ये कंटेनर है या वेसल है, ठीक है, ये फिगर मैंने बनाया इसका, ठीक है, फिगर उतना अच्छा नहीं बना, ठीक है, मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ एक बार फिर से. सर्किल सर्कुलर कंटेनर बहुत ज्यादा ऐसे नहीं बन रहा, चलो ठीक है. यहां पर हमने क्या किया, यहां पर एक बर्नर लगा दिया, ठीक है, बर्नर लगा दिया. अब लिक्विड का लेवल एज्यूम करो, लिक्विड का लेवल यहां था, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए पी पे था. जब आप हीट करोगे तो वेसल, ये जो कंटेनर है, ये वेसल कहो, ये एक्सपेंड होगा. तो सॉलिड का जो एक्सपेंशन होता है वो 3 अल्फा के इक्वल होता है. वॉल्यूम एक्सपेंशन, सॉलिड का वॉल्यूम एक्सपेंशन इज इक्वल टू 3 अल्फा सॉलिड का, ध्यान रखना. लेकिन ये जो गामा है ये लिक्विड का एक्सपेंशन है, अभी हम लोग इस पे आते हैं, ठीक है. जब ये सॉलिड एक्सपेंड होगा तो लिक्विड का लेवल गिरेगा. मान लो इसके अंदर पानी भरा हुआ है, लिक्विड है पानी, ठीक है. तो जब ये लिक्विड का लेवल गिरेगा, नीचे जाएगा, तो एज्यूम करो वो नीचे आ गया क्यू पे. तो पी से क्यू, पी क्यू क्या है, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड है, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, यानी ये गामा है. गामा मींस यहां गामा ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 3 अल्फा. ये अब थोड़ी देर बाद ये जो कंटेनर एक्सपेंड हो चुका, अब क्या होगा, अब ये कंटेनर हीट सप्लाई करेगा लिक्विड को. अब लिक्विड एक्सपेंड होगा, ध्यान रखना, लिक्विड एक्सपेंड होगा. और लिक्विड एक्सपेंड होते होते मान लो एज्यूम करो यहां चला गया, तो क्यू से आर, क्यू टू आर, क्यू से आर जो एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड है, या एज्यूम कर लो पानी, ठीक है. क्यू से आर रियल एक्सपेंशन ऑफ, रियल एक्सपेंशन कह सकते हो, रियल एक्सपेंशन ऑफ क्या है, लिक्विड है, ठीक है. यानी यही है आपका गामा, रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, ये गामा है. अगर ये गामा ज्यादा होगा 3 अल्फा से, ठीक है, 3 अल्फा मतलब गामा ऑफ सॉलिड से ज्यादा होगा, तो क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है, पानी फ्लो करके बाहर, कंटेनर से बाहर आ जाएगा. लेकिन अगर ये गामा छोटा होगा 3 अल्फा से, तो पानी जो होगा वो कंटेनर से बाहर नहीं निकलेगा. तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ अगर ये कंटेनर यहीं तक पूरा होता, इस जगह तक कंटेनर होता जहां पर पानी पूरा फिल्ड है, एज्यूम करो, ठीक है, बात समझ में आ रही है, कि यहां तक पानी कंटेनर में भरा हुआ है, और पानी अगर ऊपर चला जा रहा है इस लेवल से, इस लेवल से ऊपर चला जा रहा है, मतलब फ्लो कर जा रहा है बाहर, तो क्या कह रहा है, इफ द लिक्विड डज नॉट फ्लो आउट ऑफ द हीटिंग, लिक्विड बाहर नहीं जा रहा है, यहीं कहीं रुक जा रहा है, इस लेवल पे ही रुक जा रहा है, इस लेवल पे रुक जा रहा है, इसका ये मतलब है कि गामा की वैल्यू 3 अल्फा से कम है. तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ, करेक्ट है, बात समझ में कि नहीं आई. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.